नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण वर्सेस अर्जुन, पर इसमें हम दोनों पक्ष की बात रखेंगे कि दोनों को बड़ा योद्धा क्यों कहा जाता है, फैक्ट क्या है, और फिर हम अपना मत भी रखेंगे इस पर कि मेरा अपना पर्सनल मत क्या है। और कमेंट में आप अपना मत दीजिएगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ या सही हूँ, ये बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूँगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omcha.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम, कोई बर्बरिक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को मानेगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को तुलना में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो भाई, कर्ण को मानने के अपने उनके पॉइंट्स होते हैं। और यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण या एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना के योग्य नहीं समझा गया है। यह कर्ण की महिमा जो मंडन है, ये हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी के फलस्वरूप उदित हुआ है, ऐसा भी लोग का मानना है। उन्होंने अपने काव्य में कर्ण के उजले एवं एक पक्षीय चरित्र का वर्णन किया है। पर एक बात है, कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय था, इस बात को तो सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा के रूप में अर्जुन को भी जाना ही जाता है। और अर्जुन सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्द भेदी बाण चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे, अपनी एकाग्रता और अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण और भीम ही चढ़ा सकते थे। कर्ण की यदि हम बात करें तो देखिए, कर्ण के जो लोग साथ हैं, जो कर्ण को ज़्यादा बड़ा योद्धा मानते हैं, उनका ये मानना है कि अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए सिर्फ दुर्योधन था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। ये कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, ठीक है। कर्ण को सूतपुत्र, ज्येष्ठ पांडव, अत्याचारी दुर्योधन का परम मित्र, हितैषी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, दानवीर, सूर्यपुत्र, कुंती नंदन बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं। अर्जुन को भी बहुत नामों से संबोधित करते हैं। यहाँ हम कर्ण के बाकी संबोधनों से परे एक भ्रांति पर विचार करेंगे। मैंने अनेकों वाद विवाद चर्चाओं और कथाओं में एक बात समानता से देखी है कि हर लेखक या वाचक कर्ण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और अर्जुन से भी अधिक प्रतिभाशाली तो कहता है, मगर जब भी प्रमाण की बात की जाए तो यही लोग तथ्यहीन तर्कों से अपनी बात बनवाना चाहते हैं। ये भी मैंने देखा है, इसमें कोई राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा थे, महारथी कहलाने की संपूर्ण योग्यताएं उनमें थी, धनुर्विद्या उनकी विशेषता थी, मगर वो गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, भल्ल युद्ध के कलाओं के अतिरिक्त व्यूह रचना, भेद नीति में भी पारंगत थे, मगर कर्ण अजय नहीं थे। दूसरी तरफ यदि मैं अर्जुन की बात करें तो अर्जुन की जो गांडीव थी, अपने दो अच्छे तुनिरों को वो अपनी तलवार को उठाए अर्जुन वनवास में घूमते रहते थे। ये वो गांडीव था जिसे उठा पाना लगभग असंभव था सब किसी के लिए। तो सोचियो कितने बलशाली होंगे। जरासंध वध के लिए अर्जुन भी गए थे कृष्ण के साथ में, भीम भी साथ में थे, दोनों को साथ लेकर गए थे, और जरासंध से कहा था कि वो उन तीनों में से
किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकता है। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल धनुर्धर ही नहीं अत्यंत बलवान भी थे, नहीं तो कृष्ण क्यों कहेंगे कि तीनों में से किसी एक को चुन लो। इसके अलावा उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था, वे एक साथ कई महारथियों से युद्ध कर सकते थे। उनका निशाना इतना स्टिक था कि जब युद्ध में द्रोण ने दुर्योधन को अवैध कवच पहना दिया और उसको भेदने का अर्जुन का वान अश्वत्थामा ने काट दिया, तो अर्जुन ने दुर्योधन की उंगलियों के पोरों को निशाना बनाकर उस पर वार किया, क्योंकि वही भाग कवच से बाहर था। दूसरी तरफ हम यदि कर्ण की बात करें तो कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी, कर्ण के जो समर्थक हैं जो बात करते हैं, जो ने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानी नहीं था, और ये बात बिल्कुल सही भी है। पर कर्ण अर्जुन के अलावा भी अनेकों बार अन्य योद्धाओं और महारथियों से परास्त हुआ है, तथा अधिकांश युद्धों में उसके पराजित होने तथा प्राण बचाकर पलायन करने के प्रमाण है। पहला प्रमाण, वन पर्व में पांडव जब द्वैत वन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे तो उस वक्त सारे जो दुर्योधन थे पांडवों को अपनी श्रेष्ठता दिखानी चाहिए, श्रेष्ठता कि हम श्रेष्ठ हैं, उनको जलाना चाहते थे। इसके बाद बिल्कुल धृतराष्ट्र से परमिशन लेकर वो जाते हैं, पर वहां पे जब वो जलाने की बात आती है, सरोवर में जब सब लोग स्नान वगैरह कर रहे थे तो गंधर्वराज चित्रसेन अपने सेवकों देवताओं एवं अप्सराओं सहित जल क्रीड़ा कर रहे थे। दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ, उसने कर्ण को आगे किया और पीछे अपने भाइयों शकुनी दुशासन विकर्ण तथा सेना के साथ उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को परास्त किया, जिसमें कि वह विकर्ण के रथ पर वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गए। गंधर्वों ने दुर्योधन को सेना सहित बंदी बना लिया तथा उनकी सभी स्त्रियों पर भी अपना अधिकार बना लिया। तो ऐसे में पांडवों ने उन सभी गंधर्वों से मुक्त कराया, करेक्ट है, यहां पे वो हारते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन, जिनके वानों की वर्षा के विषय में कहा गया कि आकाश में अंधेरा छा जाता था, उनके निरंतर तीरों की बारिश से कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। युद्ध के 14वें दिन जब उन्हें अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था तो कुरु सेना में वो अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले घुस गए थे और रास्ते में आने वाले हर महारथी को परास्त करते हुए या उसका वध करते हुए उन्होंने कई मीलों का सफर किया, क्योंकि द्रोण ने जयद्रथ को अपने व्यूह रचना में सुरक्षित छिपा रखा था और निरंतर इतना चलने पर दिन के मध्य तक उनके अश्व प्यास और थकान से निडाल से हो गए थे। उन्होंने अकेले ही 7 अच्छावनी सेना का वध कर दिया था। अर्जुन ने अकेले कौरवों की सेना से चारों तरफ घिरे हुए युद्ध भूमि में अपने तीर से भूमि को भेद कर एक तालाब बना दिया था, जो कि लिखा गया है उसमें, जहां पे उन्होंने अपने अश्वों को पानी पिलाया और बिना रथ के भूमि पर खड़े होकर एक साथ कई महारथियों और सेना की टुकड़ियों से युद्ध किया था। उस दिन कहा जाता है कि अर्जुन ने अकेले ही कौरवों के 7 अच्छावनी सेना का वध किया, जितना अन्य किसी योद्धा ने 4 से 5 दिन मिलाकर भी नहीं किया था। उस दिन दुर्योधन को भी अनुमान हो गया था कि द्रोण अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के रहते हुए भी जब वह अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सका तो उसका जीतना मुश्किल है। अपने संपूर्ण जीवन में अर्जुन को युद्ध नहीं हारे हैं, तो ऐसे योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य किसमें होता? कर्ण के पक्षधर कहते हैं कि श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लिया गया,
और उसके बाद ही उन्हें मारा गया। बिल्कुल सही बात है, उनका कहना भी जायज है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो विराट पर्व में दुर्योधन ने छल पूर्वक विराट नगर के गांव पर कब्जा कर लिया था। अब उस युद्ध में क्या हुआ था आप सबको मालूम है, क्या हुआ था? अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से बीन दिया था और उसके सारथी रथ शस्त्र इत्यादि नष्ट कर दिए थे, तो ऐसे में कर्ण को पीठ दिखाना पड़ा था। और बाद में अर्जुन ने सभी कौरवों को परास्त किया और सभी गांवों को छोड़ाया। विराट पर्व में अर्जुन द्वारा कर्ण को दो बार परास्त किया गया तथा दोनों ही बार कर्ण को पीछे हटना पड़ा था। द्रोण पर्व में एक ही दिन में युद्ध में कर्ण को अर्जुन, भीम, दृष्टद्युम्न तथा सात्यकी के द्वारा अलग अलग अवसरों पर भी परास्त किया गया था, यहां भी लिखा गया है। कर्ण के समर्थक कहते हैं कि कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा गया था, ये कहते हैं। पर वहां पे ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था? कृष्ण ने पूरा था तीनों में से एक को चुनो, तो किसी को भी चुन सकते थे। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई जरासंध को उन्होंने हरा दिया और भीम ने कृष्ण की सहायता से छल से हरा दिया था, ये कहना जायज नहीं है। उसके बाद अभिमन्यु का यदि हम जिक्र करते हैं तो अभिमन्यु को अकेले मारना तो किसी के बस की बात थी नहीं। अभिमन्यु का युद्ध तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शैल, दुर्योधन और कर्ण से हुआ और सबको उस बच्चे ने परास्त किया था और कर्ण ने अकेले उसका वध नहीं किया, सबने मिलकर अभिमन्यु का वध किया। तो यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर वो इतने शक्तिशाली योद्धा थे तो फिर वो अभिमन्यु से अकेले क्यों नहीं लड़े? मैं तो यूं कहूंगा कि भीष्म और द्रोणाचार्य से भी आगे थे अर्जुन। भीष्म अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चले थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ, जीत अर्जुन की हुई है। भीष्म के तुनीर में जो भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म के पास नहीं था। नहीं तो विराट के युद्ध में वहां तो भीष्म भी थे। अंबा की यह चाह थी कि भीष्म की मृत्यु उसके कारण हो और इसी कारण से शिखंडी उनके अंतिम युद्ध में उनके सामने थे, किंतु जिन बाणों ने उन्हें सैरसैया पर लिटाया वो तो अर्जुन के थे। द्रोण की बात करते हैं तो द्रोण तो क्षत्रिय नहीं थे, किंतु अस्त्र विद्या में पारंगत थे और उनके सम्मुख ठहरना आसान बात तो थी ही नहीं। उनका अर्जुन से जब भी सामना हुआ है विजय अर्जुन की हुई है। हम वापस विराट युद्ध की ही बात करेंगे। देखिए, कुरुक्षेत्र में शत्रु को जान से मारना था और इस कारण अर्जुन द्रोण से युद्ध करने से कतराते रहे, क्योंकि वो अपने गुरु की हत्या नहीं करना चाहते, महान पुरुष थे। किंतु इस बात में कोई संशय नहीं था कि द्रोण को भी नहीं कि अर्जुन युद्ध कला में उनसे कोसों आगे हैं। कर्ण के समर्थकों का कहना है कि कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में धनुष था, हाथ हो जाता ही था, शिव धनुष था। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं महाभारत के युद्ध की तो वहां पे क्या होता है? एक तरफ घटोत्कच था, दूसरी तरफ पूरी कौरव सेना। कर्ण को क्या करना पड़ा? कर्ण तो घटोत्कच से भी मतलब जीत नहीं पा रहे थे और बुरी तरह परास्त होने के बाद कर्ण ने वैजयंती नामक अमोद शस्त्र का प्रहार किया। ये वही शक्ति थी
जिसे उसने इंद्र से प्राप्त किया था और प्रतिदिन उसकी पूजा करता था। इसे उसने बहुत समय तक अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा हुआ था, किंतु घटोत्कच द्वारा युद्ध एक तरफा समाप्त होता देख और अपनी तथा कौरवों की साक्षात मृत्यु सन्निकट देखकर उसे अर्जुन के निमित्त रखी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ी। तो यहाँ पे हम सर्वश्रेष्ठ योद्धा कर्ण को नहीं कह सकते हैं। तो यदि महाभारत का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि कर्ण एकलव्य को किसी भी समय अर्जुन से तुलना के योग्य नहीं समझा जा सकता, ये मेरा मानना है। दूसरी तरफ हम वचन की बात करते हैं। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके चार पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन से युद्ध करेगा। बिल्कुल उसने अपना वादा निभाया है। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए हैं जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ और वो चाहता तो उन्हें मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। उस मामले में कोई दो राय नहीं है कि अच्छे योद्धा थे। कर्ण अत्यंत पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली धनुर्धर थे, किंतु अर्जुन जिसको परास्त करने के स्वप्न में उसने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, उनसे बहुत आगे था। मेरे हिसाब से कर्ण अपनी कुंठाओं और ईर्ष्या के कारण कभी महान नहीं बन सका। जब भी उनका सामना अर्जुन से हुआ, विजय अर्जुन की हुई। अपने अंतिम युद्ध में भी वो अर्जुन के सामने मात्र आधे दिन तक टिक पाए। जब उसके रथ का पहिया धंसा, उस समय उनके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके थे, वो अत्यंत घायल थे और थक चुके थे, और उसकी सेना या तो मारी जा चुकी थी या अर्जुन के भय से दूर से नजारा देख रही थी। कोई उनके पास आने को तैयार नहीं था, अर्जुन के भय से दुर्योधन भी नहीं। दूसरा पक्ष ये भी है कर्ण की तरफ से कि जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए, उस कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसे राज से यज्ञ के दौरान अर्जुन, मतलब समझ लीजिए 8 दिन तक उन्हें युद्ध करना पड़ा था, वहाँ भी कर्ण ने उसे हराया था। बिल्कुल सही बात है, पर वहाँ पे भी कहा तो यही जाता है कि अर्जुन जीत गए थे। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि अर्जुन नहीं जीते थे। अश्वसेन बाण के संधान दोबारा न करना, यह भी शिष्टा का प्रमाण था कर्ण की तरफ से। उन्होंने अश्वसेन को मना कर दिया था कि मैं तुम्हारा अपने वान पे संधान नहीं कर सकता, फिर भी वो गुपचुप तरीके से वान पर बैठ गए थे। और एनीवेज कृष्ण तो उन्होंने बचा ही लिए थे। उसके बाद एक चीज और कहूंगा, जब वो मृत्यु के निकट थे, समस्या ये थी कि अपने कौंतेय होने के बाद कर्ण जानता था अर्जुन नहीं, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कर्ण के मृत्यु से पहले अर्जुन को पता चले, क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी बता चुके थे कर्ण को कि तुम पांडव के सबसे बड़े भाई हो। तो कर्ण ने कहा था कि कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। तो कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि तो पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। कोई षड्यंत्र वो करना नहीं चाहते थे, उनकी मजबूरी थी षड्यंत्र में शामिल होना, और फिर भी युद्ध के सामने वो योद्धाओं की तरह लड़े। और एक ये भी प्रमाण है कि भाई श्री कृष्ण खुद कर्ण की तारीफ करते थे। जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता था, तो कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे। तो अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ तो कई गज पीछे चला जाता है, तो आप मेरी प्रशंसा नहीं की। तो अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं, यानी कि भगवान नारायण तथा वहाँ महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे धकेल दिया। तब ये जो तुलना भार का और वजन का है, ये तो बड़ा मुश्किल है आंकना कि भाई कौन कितना शक्तिशाली था। अब जब कर्ण नीचे थे, पहिया जब निकाल रहे थे, यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए उकसाते हैं, जिससे अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण यह रहस्य न खोल दे, या कोई और आकर यह रहस्य
अर्जुन को ना बता देते, हम तो उकसाने का मेन कारण ये था। इस बात से लोग समझ लेते हैं कि अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मारा क्योंकि उसे परास्त नहीं कर सकता था। सत्य तो ये है कि कर्ण अर्जुन से हर बार परास्त हुआ है और उसकी मृत्यु के समय भी वो पराजित अवस्था में ही था। फिर हम कैसे माने, आप अपने कमेंट में बताइए कि भाई कैसे माने कि कर्ण अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ है। मैंने अर्जुन के कर्ण के पक्ष में मैंने आपको रखा है, तो आप हमें कन्विंस कीजिए कमेंट में। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।